आम आदमी पार्टी क्या सक्षम नहीं है SYL के मुद्दे को खत्म करने के लिए? आम आदमी पार्टी हरियाणा प्रदेश को SYL का पानी क्यों नहीं दे रही? क्यों वो इस मुद्दे को इतना लटकाए हुए हैं? किसान दोबारा से धरने पर बैठे हैं, तो किसानों के लिए आम आदमी पार्टी ने क्या किया? सिर्फ एक ऐसा नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, जिन्होंने अपना इस्तीफा देके अपने किसान भाई के साथ बैठे। आने वाले समय में भी किसान और कमेरे की जो बुलंद आवाज है वो इंडियन नेशनल लोकदल परिवार है। आज आम आदमी पार्टी लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। हरियाणा की जनता के भावनाओं के साथ पहले बीजेपी खिलवाड़ करती आ रही है, कांग्रेस ने खिलवाड़ किया और आज एक ये नए व्यक्ति यहाँ के हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता पर इनेलो महिला जिलाध्यक्षा तनुजा ने बड़ा जुबानी हमला किया है। इनेलो महिला जिलाध्यक्षा तनुजा ने सुशील गुप्ता से सीधे और स्पष्ट दो सवाल किए हैं। पहला सवाल हरियाणा की लाइफलाइन SYL को लेकर, दूसरा किसानों की मांगों को पूरा करने को लेकर। इनेलो नेत्री तनुजा ने कहा कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता और उनकी पार्टी हरियाणा की लाइफलाइन कही जाने वाली SYL और किसानों की मांगों को लेकर पहले अपना स्टैंड स्पष्ट करे, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे में ना तो हरियाणा को SYL का पानी मिल रहा है और ना ही किसानों के हमदर्द बनने का दावा करने वाले सुशील गुप्ता की आम आदमी पार्टी खुद पंजाब में किसानों को कोई बड़ी रियायत देने का काम कर रही है। ऐसे में जो पार्टी हरियाणा की SYL नहर और देश के किसानों को लेकर अपना स्टैंड ही स्पष्ट नहीं कर पा रही, ऐसे में उस पार्टी का उम्मीदवार भला कुरुक्षेत्र की जनता से किए जाने वाले वायदे कैसे पूरे करेगा, ये सोचने वाली बात है। वहीं लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने स्पष्ट कहा कि इनेलो हाईकमान जिस भी उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारेगा, सभी इनेलो कार्यकर्ता मिलकर पार्टी उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। सबसे पहले तो हरियाणा प्रदेश की जनता को और मेरे थानेसर की जनता को मेरा राम राम। आज देखिए चुनावी दौर चल चुका है, चुनावी जंग शुरू हो चुकी है, लेकिन मेरा मानना ये है आज मेरा जो आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है, घोषित किया है सुशील गुप्ता जी को, मैं उनसे मात्र दो सवाल पूछना चाहूंगी। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, आज वो हरियाणा में लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट। लोगों को झूठे विश्वास दिए जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी क्या सक्षम नहीं है SYL के मुद्दे को खत्म करने के लिए? आम आदमी पार्टी हरियाणा प्रदेश को SYL का पानी क्यों नहीं दे रही? क्या हरियाणा प्रदेश का इस पर कोई हक नहीं है? क्यों वो इस मुद्दे को इतना लटकाए हुए हैं? सबसे पहले मेरी यही गुजारिश है कि आप पहले पुराने जो आपके काम है, पेंडिंग वर्क्स, पहले वो कीजिए, बजाय कि लोगों को झूठे नए वादे करने के। दूसरा जो मेरा सवाल है, आज देखिए सारे देश को पता है कि सारे देश के किसान आज दोबारा से धरने पे बैठे हैं। पीछे भी वो 13 महीने धरने पर बैठे रहे, इनेलो नेत्री होने के कारण, इनेलो परिवार होने के कारण, क्योंकि इनेलो हमेशा से किसान की हतेशी रही है, किसान कमेरे की आवाज रही है। तो मेरा ये पूछना है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट से, आज किसान दोबारा से धरने पर बैठे हैं, तो किसानों के लिए आम आदमी पार्टी ने क्या किया? आज किसानों पर लाठी चार्ज किए जा रहे हैं, किसान अपनी मांगों को लेके, अपने हकों को लेके धरने पर बैठे हैं, लेकिन उनकी आवाज उठाने वाला एकमात्र व्यक्ति चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। आपको ध्यान होगा पीछे जब किसान धरने पर बैठे थे, हमारे इतने विधायक होने के बाद भी सिर्फ एक ऐसा नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, जिन्होंने अपना इस्तीफा देके अपने किसान भाई के साथ बैठे। जनता सही और गलत जानती है, दोबारा से उन्हें वो कुर्सी सम्मान सहित वापस की गई और आज भी इनेलो पहले से भी और आज भी हमेशा से किसान की हितेशी रही है और आने वाले समय में भी किसान और कमेरे की जो बुलंद आवाज है वो इंडियन नेशनल लोकदल परिवार है।
तो हम हर वर्ग के साथ, 36 बिरादरी के साथ खड़े हैं, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश को जरूरत है कि उनकी समस्याओं को समझने वाला उनके साथ हो, और उसका एकमात्र जवाब इंडियन नेशनल लोकदल है। आज आम आदमी पार्टी लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। हरियाणा की जनता के भावनाओं के साथ पहले बीजेपी खिलवाड़ करती आ रही है, कांग्रेस ने खिलवाड़ किया, और आज एक ये नए व्यक्ति यहाँ के हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और हरियाणा प्रदेश की जो जनता की आवाज है वो चौधरी देवीलाल जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और अब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी है, और इनेलो परिवार अपने प्रदेश हरियाणा प्रदेश को बचाने का काम करेगा। लोकसभा चुनाव के लिए इनेलो हमेशा से, कोई भी चुनाव हो, इनेलो हमेशा तैयारी में रहती है, और लोकसभा चुनाव को लेके हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, और मात्र 2-4 दिनों में हमारा यहाँ से कैंडिडेट भी घोषित कर दिया जाएगा। मैम, कई नाम चर्चा में है इनेलो की ओर से, आप भी लगातार सक्रिय हैं, पिछले कई सालों से इनेलो का परिवार बनाने में, जनाधार बनाने में लगी हुई है। अगर पार्टी नारी शक्ति का दौर चल रहा है, पार्टी अगर आपको मौका देती है तो आप तैयार? ये पार्टी हाईकमान का फैसला रहेगा, और हम उनके आदेश की पालना करने के प्रतिबद्ध।